देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में पुलिस, सफाई कर्मियों, रेवेन्यू कर्मचारियों सहित लोगों को टीके लगाए जाने हैं। इस क्रम में हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम उदिता सिंह, एसपी समेत पुलिस के जवानों और अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यापक प्रबंध के साथ टीके लगाए गए। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सदर अस्पताल हाजीपुर में कोरोना का टीका लगवाया और साथ ही लोगों से इसके सुरक्षा संबंधी भ्रांतियों से दूर रहने की अपील की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य जिलाधिकारी और एसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा टीका लेने के बाद लोगों में फैले अफवाह निराधार साबित होंगे। लोग सरकार की इस जागरूक और महत्वाकांक्षी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आइए सुनवाते हैं कोविड का टीका लगवाने आई वैशाली की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने क्या कहा। से ही काफी लेट आप लोग आए जिसके चलते काफी भ्रांतियां भी फैली थी। आज का कितना मदद मिलेगा लोगों को खासकर से जाकर? देखिए, पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर को था जिसमें कि लगभग हमारे जिला में 1100 लोगों को मिल चुका है, 11,000 लोगों को। और जो सेकेंड फेज था जिसमें कि अब हम लोग का फ्रंटलाइन वर्कर जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, नगर परिषद के पदाधिकारी, इन लोगों को पदाधिकारी और कर्मी इन लोगों को मिल रहा है, वो आज से शुरू हुआ है। इसमें लगभग 3200 लोग रजिस्टर्ड हैं जिसमें पुलिस के हैं, प्रशासन के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो नगर परिषद हैं, ये लोग इंक्लूडेड हैं। और इसीलिए हम लोगों के द्वारा आज दिया गया क्योंकि आज से सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। और ये वैक्सीन जो है ये तो मतलब हमारी सुरक्षा के लिए है। और ये वैक्सीन मैं पुनः बता देती हूँ कि ये दो फेज में लेना है, मतलब आज दिया गया, इससे 28 दिन बाद पुनः लेना है और उसके 10 से 15 दिन बाद जो है एंटीबॉडी मिल जाता है। तो जो भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं हम लोग को भी अभी भी जो कोविड प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो किया जाना है जिस तरह से अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी अभी भी नहीं लिए हैं जिसके कारण कई सारी भ्रांतियाँ भी फैली है। नहीं, जो स्वास्थ्यकर्मी, देखिए पहली बात तो है कि ठीक है, ये वैक्सीन जो है ये वॉलंट्री है, तो जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है नहीं ले, ये बिल्कुल वॉलंट्री हम लोग दे रहे हैं। परंतु किसी तरह की भ्रांति की बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जो है ये वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, टेस्ट किया गया, तभी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इतने बड़े मैसिव स्केल पर रोल आउट किया है। और दूसरा कि ये मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन की तरह रोल आउट किया गया और ये पूर्णतः फ्री। तो हमारे जिले में जो अभी तक 11,000 लोगों ने ले लिया है, किसी में भी कोई मेजर एडवर्स साइड इफेक्ट हमारे पास नहीं देखा गया। तो ये एक बहुत ह्यूज नंबर है कि 11,000 में अगर नहीं पाया गया तो किसी का भी भ्रांति होने की बात नहीं है। जो भी अफवाह है तो मैं यही बोलूँगी कि वो लोग डॉक्टर्स से संपर्क करें, जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, हमारे सिविल सर्जन साहब है, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, इन लोगों से संपर्क करें या अपने जो भी डॉक्टर नज़दीकी डॉक्टर उनसे संपर्क करें ताकि उन लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस लाइन में अलग से टीका केंद्र लगाया जहां एसपी, एएसपी, थानेदारों सहित जवानों को टीका लगाया गया। जिले के 1700 पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए केंद्र पर सुबह सुबह जिले के एसपी पहुंचे, फूल मालाओं से सजे कोरोना टीका केंद्र का उद्घाटन किया और सबसे पहले जिले के एसपी मनीष ने ही टीका लगवाया। पुलिस कर्मियों के वैक्सीनेशन को लेकर जिले के एसपी उत्साहित दिखे और एसपी मनीष ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों पर बड़ी जवाबदेही थी। इस वैक्सीनेशन की शुरुआत से पुलिस कर्मियों को नैतिक ताकत मिलेगी। वैक्सीनेशन की शुरुआत को कोरोना के अंत की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी बाकी है। देश को और खासकर ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर के लिए टीके के साथ लड़ाई में मुहिम नई ताकत जोड़ेगा। इसके पहले हेल्थ वर्कर का 11,000 टीका पड़ चुका है, कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। आज डीएम मैडम भी ले चुकी है जो अंदर में है और उनको भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे पदाधिकारी ले रहे हैं और किसी तरह का नहीं कोई प्रॉब्लम होता है। और इसका भी माने कि साइड इफेक्ट कुछ अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। चूँकि समाज में लोगों को भ्रम था कोविड वैक्सीन से कुछ हर्जा होगा, हानि होगा, ऐसी बात नहीं है। ये भ्रम दूर करने के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। कितना टीका पड़ा है अभी तक? मैंने कि हेल्थ वर्कर का 11,000 पड़ चुका है और आज से रेवेन्यू, पंचायती राज, नगर परिषद का चलेगा। आज जिस तरीके से डीएम मैडम ने टीका लिया है, इसका कितना फर्क पड़ेगा समाज में खास? मैंने इसका तो आप लोग मीडिया के थ्रू जाएगा तो लोग समाज में काफ़ी भ्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा।